Hello everyone, the question here is write short note on direct memory access DMA। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक डिवाइस और साथ में एक मशीन और ये डिवाइस कनेक्टेड है इनपुट आउटपुट पोर्ट से और इस डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करना है मशीन की तरफ मींस मेमोरी के अंदर। सो डिवाइस को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेस एंड कंट्रोल सिग्नल को सेंड करना पड़ेगा। उसके बाद डिवाइस विल सेंड मेमोरी एड्रेस एंड मेमोरी राइट सिग्नल टू मेमोरी वेयर डेटा हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड। तो ये है प्रोसेस जब डिवाइस डेटा सेंड करेगा, ट्रांसफ़र करेगा मेमोरी की तरफ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, वो है प्रोसेसर। यहाँ पे प्रोसेसर ये चेक करने में बिज़ी हो जाता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज नेक्स्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी बचा है और नेक्स्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि जो रनिंग में है ऑपरेशन वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। डेट मीन्स जो भी हमने टेक्निक के बारे में डिस्कस किया है वो टेक्निक स्लो है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंगेजमेंट ऑफ प्रोसेसर। सो क्वेश्चन ये उठता है कि प्रॉब्लम ऑफ स्लो डेटा ट्रांसफ़र को सॉल्व कैसे करें, तो इसका आंसर है DMA मीन्स डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस टेक्निक, क्योंकि डिवाइस और इनपुट आउटपुट पोर्ट के बीच में डेटा स्लो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस टेक्निक को। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस टेक्निक होती है फास्ट, इसके पीछे भी रीज़न है। सो रीज़न इज़ हियर DMA इज़ फास्टर बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर इज़ बाईपास्ड एंड द कंट्रोल ऑफ एड्रेस बस एंड डेटा बस इज़ गिवन टू द DMA कंट्रोलर। यदि हम इसको और सिंपल करें तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक डिवाइस है, अब इस डिवाइस को डेटा सेंड करना है, तो डिवाइस क्या करेगा, डेटा को डायरेक्टली मदरबोर्ड पे जो मेमोरी रखी है उस पर डायरेक्टली सेंड कर देगा। मीन्स इस बार में डेटा ट्रांसफ़र कैसा हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है और डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मीन्स DMA। जैसा कि हमने देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पे बाईपास कर दिया गया है, डेट मीन्स इस केस में माइक्रो प्रोसेसर फ्री है। मीन्स जो भी डेटा ट्रांसफ़र यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ओके, इस डेटा ट्रांसफ़र में माइक्रो प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डेट मीन्स जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है, कंप्यूटर ऑपरेशन है, वो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। सो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ एब्रीवेशंस की, जैसे होल्ड फॉर होल्ड सिग्नल, HLDA फॉर होल्ड एक्नॉलेजमेंट, DREQ फॉर DMA रिक्वेस्ट, DACK फॉर DMA एक्नॉलेजमेंट एंड DMAC फॉर DMA कंट्रोलर। अब हम कुछ इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास में एक डिवाइस है, डिवाइस मीन्स जैसे कि फ्लॉपी। तो सबसे पहले डिवाइस क्या करेगा, DMAC को सेंड करेगा DREQ। DREQ मीन्स DMA रिक्वेस्ट। जब डिवाइस ने DMA रिक्वेस्ट भेजी, इसका मीनिंग ये है कि डिवाइस को ज़रूरत है DMA सर्विस की। अब DMAC क्या करेगा, DMAC मीन्स DMA कंट्रोलर। DMAC क्या करेगा, CPU को भेजेगा होल्ड रिक्वेस्ट मीन्स होल्ड सिग्नल। होल्ड सिग्नल के साथ ही जो DREQ डिवाइस ने DMAC को भेजा था वो DREQ भी CPU को यहाँ पे मिल जाएगा। इस DREQ से CPU को मालूम पड़ जाएगा कि DMA सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आई है। अब CPU क्या करेगा, DMAC को भेजेगा HLDA। HLDA मीन्स यदि हम देखें तो होल्ड एक्नॉलेजमेंट, मीन्स होल्ड रिक्वेस्ट CPU के पास में आ चुकी है, तो एक्नॉलेजमेंट के लिए CPU ने भेजा HLDA। जब DMAC के पास में HLDA पहुँच गया तो इसका मीनिंग यहाँ पर यह है, माइक्रो प्रोसेसर हैज़ रिलीज्ड control of the address bus and data bus to DMAC, and the microprocessor of the computer is bypassed during DMA service. बट ऐसा कब होगा? जब CPU की तरफ से DMAC को HLDA रिक्वेस्ट आएगी, दैट मीन्स होल्ड एक्नॉलेजमेंट। अब DMAC भेजेगा DAC के, मीन्स DMAC अपनी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट देगा डिवाइस को, DAC के मीन्स DMA एक्नॉलेजमेंट। इस DAC की मदद से DMAC ये बता रहा है डिवाइस को कि DMA सर्विस रेडी है यूज़ करने के लिए। सो अब डिवाइस क्या करेगा, इनपुट आउटपुट रीड एंड मेमोरी राइट सिग्नल की मदद से डेटा को ट्रांसफ़र करेगा मेमोरी के पास। सो अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ DMAC मीन्स DMA कंट्रोलर। तो यहाँ पे 2 मोड्स है, एक है सिंगल मोड, अनादर वन इज़ कैस्केड मोड, जैसा कि हमको नेम से मालूम पड़ रहा है। और DMAC होता क्या है, इसका यूज़ भी हमने अभी यहाँ पे देख लिया। तो जब हम सिंगल DMAC को यूज़ करते हैं तो इसे हम बोलते हैं सिंगल मोड DMAC। लेकिन जब नंबर ऑफ DMAC मोर देन 1 होते हैं तो इसे हम बोलते हैं कैस्केड मोड DMAC। बाकी वर्किंग तो हमने भी यहाँ पे देखी है किस तरह से DMAC वर्क करता है। तो ये था डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मीन्स DMA। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी कुछ न्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।